गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनका मैंने दो भागों में विभाजन किया कि मानसिक स्वास्थ्य के दो वर्गों में इसका विभाजन किया गया था। प्रथम था अपने आप से समायोजन स्थापित करने का सिद्धांत और सेकेंड था अपने आप से अपने वातावरण से समायोजन करने का सिद्धांत। हमने अपने आप से समायोजन स्थापित करने के सिद्धांत का अध्ययन लास्ट वीडियो में किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वातावरण से समायोजन का सिद्धांत, यानी कि मनुष्य स्वयं से भी समायोजन करता है और साथ में हमें हमारे वातावरण से भी समायोजन करना पड़ता है। यानी कि मनुष्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, जितना स्वयं का पड़ता है उतना ही अपने वातावरण का भी पड़ता है। हमारे आसपास में घटित होने वाली घटनाएं, हमारे आसपास का जो वातावरण, हमारे हम जिस आसपास में रहते हैं उसका वातावरण, ये सभी हमारे वातावरण की श्रेणी में आते हैं। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हम करेंगे वातावरण से समायोजन के सिद्धांत की। मानसिक हेल्थ के लिए व्यक्ति को अपने वातावरण से किस तरीके से समायोजन करना चाहिए, या हम कहें उसके लिए अपने जो सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए, इन सिद्धांतों के आधार पर हम हमारे वातावरण से समायोजन करने में हमें आसानी होती है। तो यही आज हम पढ़ेंगे वातावरण से समायोजन का सिद्धांत। इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा सेकंड मानसिक स्वास्थ्य सिद्धांत है, अब हम देखेंगे वातावरण से समायोजन के सिद्धांत में सबसे पहले हमारे जो सिद्धांत है वो होता है हमें कौन सा, स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। प्रथम है हमारा स्वीकारात्मक, यानी कि क्या करना चाहिए हमें, जो हमारे आसपास के वातावरण में घटित हो रहा है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जीवन के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे हमारी कैसी भी परिस्थिति हो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब हम इस चीज को हमारे आसपास घटित होने वाले, या हम कहें कि हमारे मनुष्य जो हमारा मानवीय स्वभाव है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ घटित होने वाली घटना को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की जो समस्या है वो हमारे सामने आकर घटित होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे साथ हम हुआ है उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो अगर हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वातावरण को, जो भी हमारे साथ घटित होता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो भी हमारा पहलू होता है, हम कहते हैं हमारे जीवन में जो हमारे संघर्ष की, हमारी जो कठिन परिस्थितियां होती है, यानी कि इसे हम देखें कि हमें खुशी भी और गम भी, दोनों चीजों के जो हमारे पॉइंट हमारे सामने आते हैं उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए। तो प्रथम हमारा है स्वीकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, यानी कि स्वीकार करना, हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये किसमें आता है, हमारे वातावरण में, क्योंकि जो भी घटित होता है वो हमारे आसपास के वातावरण से हमारे साथ घटित होता है। सेकंड है हमारा सक्रिय दृष्टिकोण, यानी कि हमें काम करते रहना चाहिए, अपनी सक्रियता, भागीदारी दिखानी चाहिए इस चीज के लिए कि हम जो कार्य हो रहा है उसे हम सक्रिय कर रहे हैं, यानी कि उसमें हमारी भागीदारी है। संपूर्ण समायोजन में जब हम सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे आवश्यक होता है कि केवल हम बात ही नहीं करते, हमें केवल बात नहीं करनी होती है, उस बात के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, हमें उसे सक्रियता दिखानी होती है, हमारी भागीदारी दिखानी होती है। जैसे हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अध्यापक जब लेक्चर हम देते हैं तो लेक्चर उतना प्रभावशाली नहीं होता है जितना कि
योगात्मक कार्य क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर शिक्षक और छात्र दोनों उसमें सक्रिय रहते हैं। तो वही कह गई है कि केवल हमें बातें नहीं करनी चाहिए, उन बातों पर हमें कार्य करना चाहिए जिससे हमारी सक्रियता रहे। हम उस पर कार्य करेंगे तो क्या होगा? जब कार्य करेंगे तभी हम उस चीज के बारे में सीखेंगे। बल्कि हमें सिर्फ बातें नहीं करनी होती, हमें उसके लिए कार्य करना होता है जो हमारे संवेगात्मक, हमारी सामाजिक संतुष्टि हमें प्रदान करते हैं। अगर हम कार्य नहीं करेंगे, हम देखते हैं कि केवल हम ये सुने कि हम ये देखें कि हमारे परिवार में अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति का किसी अपने एग्जाम में सेलेक्ट होता है तो हम उसके बारे में सुन रहे हैं, लेकिन उसमें हमको सुनना नहीं होता है उसने क्या किया है, उसमें भी अपनी सक्रियता दिखानी है। जब तक हम उस कार्य को नहीं करेंगे हमें संतुष्टि प्रदान नहीं होगी। तो जब हमें संतुष्टि, सामाजिक संतुष्टि और संवेगात्मक संतुष्टि हमें कब प्राप्त होती है? जब हम उसके लिए कार्य करते हैं, हम उसके लिए सक्रिय रहते हैं। तो सेकंड हमारा हो गया इसमें सक्रिय दृष्टिकोण का सिद्धांत। थर्ड आता है हमारा रचनात्मक अनुभव का सिद्धांत। रचनात्मक अनुभव का सिद्धांत। ये हम भी मानते हैं कि मनुष्य जो होता है, हर किसी में क्रिएटिविटी नहीं होती है, यानी कि रचनात्मक प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसे बनने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें क्या अच्छा और कर सकते हैं, क्या उसमें सुधार ला सकते हैं, क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ये हमें देखते रहना चाहिए। यानी कि हमारे वातावरण में जो कार्य हो रहे हैं उसे हम और अच्छे से रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, उसे किस तरह से उस और उसमें क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ये भी हमें हम वातावरण से जानते हैं। क्योंकि ये वातावरण से ही हमें जो आज के परिवर्तन है वो हमें पता चलती है। तो इसके लिए कहते हैं कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सृजनात्मक अनुभव प्राप्त करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब हम नई नई क्रिएटिविटी लाएंगे तो हमारे अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हम किस तरीके से उस कार्य को अच्छा करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य में हमें अच्छा सुधार लाने के लिए हमें क्रिएटिविटी करते रहना चाहिए कि हम हर कार्य को किस तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि जिस चीज को हम क्या मानते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमने देखा है कि जो विज्ञान की देन है, वो विज्ञान की देन कैसी होती है, हमारे पास प्रमाणिक होती है, जिसका कोई प्रूफ होता है, तथ्यात्मक होती है। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि हमें प्रत्येक चीज के प्रति हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति के जो जीवन है, व्यक्ति को जीवन की समस्याओं के प्रति हमें क्या रखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम केवल हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को हम ये नहीं मान सकते कि ये समस्या हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। हमें ऐसा रखना होता है, ऐसा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कि हम उस समस्या को किस तरीके से हमारे जीवन से हम खत्म कर सकते हैं। तो उन समस्याओं के प्रति हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए कि किस तरीके से हम उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हमारे पास विज्ञान ने आज हमारे इतनी अच्छी अच्छी जो हमारे कहते हैं विज्ञान, जो आज का युग है वो वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में हमारे सामने अनेकों परिवर्तन हमारे सामने आए हैं। तो वो परिवर्तन किस तरीके से है, यानी कि एक समस्या को दूर करने के चक्कर दूर कर रहे हैं तभी हमारे जीवन में वो परिवर्तन आ रहे हैं। और हमारे परिवर्तन अगर आता है तो वो एक विज्ञान की देन है। तो हमें कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। फिर आता है हमारा अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वस्थ शारीरिक यानी कि हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ शारीरिक
शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो वो कब होगा? जब हमारा हम खुद स्वस्थ रहेंगे। हमें कार्य करने के लिए श्रम को स्वस्थ रखना होता है। शारीरिक स्वस्थ, शारीरिक स्वास्थ्य सिद्धांत। इसके लिए हम कहते हैं कि जब हमारा स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में रहता है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी कैसा होगा? स्वस्थ होगा। तो हमें स्वस्थ मन को रखने के लिए हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। अब स्वस्थ रहने के लिए हम देखते हैं कि हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य का इसके ऊपर सबसे गहरा असर पड़ता है, क्योंकि हम अगर हमारे शरीर में कुछ पीड़ा होती है तो हम इस चीज को मानते हैं, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो ना तो हमें कार्य करने में हमें रुचि जागृत होगी, ना ही हम उस कार्य को कर पाएंगे। तो अगर हमें अच्छे से उस कार्य को संपन्न करना है तो हमें शारीरिक तौर पर भी हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो वातावरण के लिए जरूरी है कि हमारे प्रति हमारा जो शरीर है उसे हम स्वस्थ बनाकर रखें। फिर आता है हमारा संवेगों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। संवेगों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। संवेग हम जानते हैं कि जो मनुष्य के संवेगात्मक जो शक्ति का प्रयोग होता है वो मानसिक स्वास्थ्य पर हमारा एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। संवेगात्मक शक्ति का दमन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यानी कि जो हमारे संवेग हमारे इमोशंस होते हैं, अगर हम उन इमोशंस को दबाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ता है। हम देखते हैं कई बार जब बच्चे हमें प्रश्न पूछते हैं, हम उनके दिमाग में आने वाले संवेगों पर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो क्या होगा, हम उनको उनके संवेगों को दमन करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम हमसे कुछ नहीं पूछेंगे, और जहां उनकी वो जिज्ञासु प्रवृत्ति है धीरे धीरे वो समाप्त होती चली जाएगी। हम देखते हैं कि अगर हमसे बच्चा कुछ बोलता है, पूछते हैं, अगर हम उन्हें क्रोध से अगर हम उन्हें चुप करके बैठते हैं तो इससे क्या होता है, यानी कि उनकी जो हम प्रतिभा है उन प्रतिभा को हम छुपा रहे हैं, उन प्रतिभाओं का हम दमन कर रहे हैं। और जब हम इन प्रतिभाओं का दमन करेंगे तो दमन करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो बच्चा खड़ा होके बोल भी नहीं पाता है। तो यही चीज है कि अगर हमें उनके संवेगों को उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, ना कि उनके संवेगों को हमें दबाना चाहिए, इसीलिए संवेगों का प्रशिक्षण भी आवश्यक होता है। फिर आता है हमारा आवश्यकताओं की उचित संतुष्टि का सिद्धांत। आवश्यकताओं की उचित दृष्टिकोण। हमें हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के प्रति भी हमें एक सकारात्मक उचित दृष्टिकोण रखना चाहिए। हम मानते हैं कि मनुष्य का व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आर्थिक, ये सभी जो व्यक्तिगत, ये सभी विभिन्न जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के प्रति उन्हें एक उचित दृष्टिकोण रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से हम आसान तौर पर उसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, हम वाले भोजन कपड़ा ये पानी, ये सभी भौगोलिक पर्यावरणीय आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, जिनके लिए इनका होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। कई जो हमारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं, हम देखें संरक्षण, स्वीकृति, स्वतंत्रता, यानी कि हम ये सब चीजें चाहते हैं, मनुष्य का एक स्वभाव होता है, इन सभी चीजों की वो प्राप्ति करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, साथ में जो हम किस तरह से हमारी वृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रसन्न रहकर हमारा जीवन यापन कर सकते हैं, इन सब चीजें ये हमारे जीवन में महत्वपूर्णता रखती हैं कि किस तरीके से हम अपना जीवन यापन करते हैं। इन आवश्यकताओं की जब हमें पूर्ति का स्तर हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर हमारे पास इन चीजों की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है, मनुष्य चिंता में रहता है और टेंशन में रहते हुए उसका
का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के प्रति भी हमें थोड़ा उचित दृष्टिकोण रखना पड़ता है। ना तो मनुष्य अगर अपने क्षमता के अनुसार क्षमता से ज्यादा अपनी आकांक्षाएं रखता है तो वो आकांक्षाएं रखना उसके लिए एक बार गलत साबित हो जाती है। तो हमें अपनी जो शारीरिक और मानसिक स्तर पर जो हमें क्षमता है उनके आधार पर हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। और ये किस तरीके से करना होता है ये हमें हमारे वातावरण के माध्यम से पता चलता है। फिर आता है हमारा दूसरे को समझने का सिद्धांत। दूसरे को समझने का सिद्धांत। व्यक्ति जब कार्य करता है स्वयं को तो वो देखता ही है, लेकिन हमें कभी कभी या कहें कि हमें हमेशा दूसरों को भी समझने की आवश्यकता होती है। दूसरों को भी हम सिर्फ दूसरों से ये एक्सेप्ट नहीं करते कि वो हमें समझे, बल्कि हमें ऐसा होना चाहिए कि हम भी दूसरों को समझे। जो हमारे दूसरों की रुचियां होती है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या योग्यता है, उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उनकी आवश्यकता है, कैसा उनका स्वभाव है, इन्हें सभी शक्तियों जो उनकी लिमिट होती है उन सब चीजों के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम जब वातावरण से समायोजन कर रहे हैं तो हम जब तक हम समायोजन नहीं कर सकते जब तक हम दूसरों से समायोजन नहीं करेंगे। क्योंकि वातावरण में हम केवल हम एक अकेले व्यक्ति नहीं रहते हैं, जिस तरीके से हम परिवार में रहते हैं, परिवार में जब एक ही व्यक्ति नहीं रहता उसके साथ विभिन्न परिवार के सदस्य रहते हैं, तो जब वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ समायोजन कर सकते हैं तो हमें हमारे दूसरे जो हमारे पास हमारे वातावरण में हमारे आसपास रहने वाले हैं उनके साथ भी हमें समायोजन रखना चाहिए। तो इसमें बताया गया कि केवल हमें स्वयं से समायोजन नहीं करना, सिर्फ हमें हमारी आकांक्षाओं का ध्यान नहीं रखना, हमें दूसरों की जो उनकी योग्यता है उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि दोनों को दोनों तरीके से हमें समायोजन करना चाहिए। तो दूसरा हो गया इसमें दूसरे को समझने का सिद्धांत। फिर आता है हमारा जो हमारे कार्य संसार के साथ समायोजन का सिद्धांत। कार्य संसार के साथ साथ समायोजन। व्यक्ति क्या करता है, कार्य करता है। अब उसे कार्य किस तरीके से करना है, यानी कि प्रत्येक के कार्य करने का एक अलग तरीका होता है। यानी प्रिंसिपल एडजस्टमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी किस तरीके से वो वर्ल्ड के साथ संसार के साथ अपने कार्यों का समायोजन करते हैं। हम देखते हैं कई बार हमारे पास वो सामग्री नहीं होती जिनसे हम कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हम कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जहाँ पहले हम खाना बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ चूल्हे थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास गैस है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे घर में अगर गैस खत्म हो जाए तो क्या करें, हमें समायोजन करना पड़ता है उस कार्य से। हम क्या करेंगे, वापस उसी चूल्हे पे या अपनी अंगीठी या हमारे पास जो भी सामग्री उपलब्ध होती है जो भी उसके आधार पर हम खाना बनाते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें कार्य करने के साथ हमें समायोजन भी करना चाहिए, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर एक हमारे लिए बहुत मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे सहायक होते हैं। अपने कार्य एवं अपने व्यवसाय से समायोजन स्थापित न करने वाला व्यक्ति हमेशा तनाव चिंताओं और हताश और उसके साथ साथ कई समस्याओं का वो शिकार हो जाते हैं। और उन समस्याओं का जब वो सामना नहीं कर पाते हैं तो वो एक तरीके से मानसिक ग्रस्त हो जाते हैं। टेंशन में आने से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। तो अगर हमें मानसिक रूप से हमें स्वस्थ रहना है तो हमें उस कार्य को करने के लिए हमेशा समायोजन वाली परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए कि हमें किस तरीके से हमें कार्य करना है। और कार्य करने के साथ साथ जो हमारे पास इस संसार में या हमारे सामने जो सामग्री उपलब्ध होती है, जो उपकरण उपलब्ध होते हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। फिर आता है जीवन के दबावों का सामना करने का सिद्धांत। जीवन के दबावों का, यानी कि जो भी हमारे कार्य करने को या हमारे खुद की जो प्रतिभाएं होती हैं उन दबावों का सामना
सामना करने का सिद्धांत, जीवन के दबावों का सामना करने का सिद्धांत, यानी कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं हमें, तो हमारे जीवन में जो असफलताएं और जो सफलताएं, कठिनाइयां, चुनौतियां, ये सब चीजें जो हमारे जीवन में अनेकों हमारे संघर्ष होते हैं, इन सब चीजों का हमें क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। हमारे अध्यापक और हमारे माता पिता को क्या चाहिए कि बच्चों को उन समस्याओं से किस तरीके से उभरना है ये हमें सिखाना चाहिए, किस तरीके से उन समस्याओं का सामना करना है ये हमें उन्हें बताना चाहिए। तो हमारे व्यक्ति का जो हमें किस तरीके से उन कार्यों को जो हमारे सामने आते हैं किस तरीके से उन्हें हमें उत्साह से और परिश्रम करके हमें उन समस्याओं को खत्म करना होता है ये हमें सिखाया जाता है। तो जीवन के दबाव को सहने का हमें सिद्धांत, हमें मानसिक हेल्थ यानी कि हमें प्रॉपर तैयार किया जाता है। ये कार्य कौन करते हैं, हमारे शिक्षक भी करते हैं, हमारे माता पिता करते हैं, हमारे मेंटल हेल्थ से हमें स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि किस तरीके से हमें हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों का हमें सामना करना है। तो ये हमारे वातावरण के सिद्धांत है। एक दूसरा है हमारा सर्वशक्तिमान में विश्वास, सर्वशक्तिमान में विश्वास। यहाँ सर्वशक्तिमान हम किसको मानते हैं, ईश्वर को। यहाँ हम किसे मानते हैं, ईश्वर को, यानी कि ईश्वर में जो विश्वास होता है वो सभी रोगों के लिए एक अचूक उपचार होता है। हम देखते हैं कि हम कई बार ये कहते हैं कि अगर हम मेडिसिन भी ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि दुआ और दवा हम दोनों चीजें काम में ले सकते हैं, यानी कि हमारा विश्वास ईश्वर में भी है। तो ईश्वर हमारे लिए सर्वशक्तिमान हुए, यानी कि वो हम ये मानते हैं कि हमारी जो समस्याएं होती हैं, जो हमारी विभिन्न प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसे दूर करने का भगवान ईश्वर को एक अचूक हम इसका साधन मानते हैं कि ईश्वर हमारी सभी समस्याओं को दूर रखते हैं, हमें चिंताओं से मुक्त करते हैं। तो ईश्वर के विश्वास का सिद्धांत भी हमें मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखने का एक बनाए रखते हैं, जिससे कि हम हमारे लिए एक विकास में भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये हमारे वातावरण से समायोजन के सिद्धांत थे। पहला था हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत, सेकंड सक्रिय दृष्टिकोण, रचनात्मक अनुभव का सिद्धांत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वस्थ शारीरिक स्वास्थ्य सिद्धांत, श्रमिकों के प्रशिक्षण का सिद्धांत, आवश्यकताओं का उचित दृष्टिकोण का सिद्धांत, दूसरे को समझने का सिद्धांत, कार्य और संसार के साथ समायोजन का सिद्धांत, जीवन के दबावों का सामना करने का सिद्धांत और सर्वशक्तिमान में विश्वास का सिद्धांत। ये हमारे वातावरणीय सिद्धांत थे। धन्यवाद।